हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप लोग अपने फ़ोन से रिज्यूम कैसे बना सकते हैं। जैसा कि अभी आप लोग देखते रहे, अलग अलग तरह से आप लोग रिज्यूम क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं आप लोग को इस वीडियो में फुल प्रोसेस बताऊंगा कैसे कैसे क्या करना है। अगर आपके पास एक फ़ोन है तो फ़ोन से ही क्रिएट करिएगा, काफ़ी अच्छे रिज्यूम बन जाते हैं। तो मैं आप लोग को बना के चलिए दिखाता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको क्या कर लेना है, मैं आपको एक एप्लीकेशन दूंगा, उसे डाउनलोड करना है। देन पहले वीडियो आप लोग पूरा देख लीजिएगा। तो चलिए हम उस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। आपको वीडियो में कहीं भी मैं उस एप्लीकेशन का नाम बता दूंगा, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके वहाँ से फॉलो कर लेना, वहाँ पर भी नाम बता दूंगा। तो एप्लीकेशन ओपन करने के बाद यहाँ पर प्रोफाइल नेम आपको आ जाएगा, प्लस वाले आइकन पर क्लिक करने के बाद। तो यहाँ पर मैं दिलीप रिज्यूम लिख दे रहा हूँ। देन रिज्यूम लिखने के बाद ओके पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ओके पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका नेम, ईमेल आईडी, कॉन्टेक्ट नंबर। तो यहाँ पे चलिए मैं एक एक करके मैं फिल कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं अपना नाम डाल लेता हूँ, दिलीप साहनी। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो चलिए मैं अब क्या कर लेता हूँ, सारा एक्सप्लेन करने के बाद सारा मैं ऐड कर लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं आप लोग को मिलता हूँ। तो अभी देख सकते हैं मैंने फ़ोन नंबर वगैरह, एड्रेस वगैरह सब कुछ ऐड कर लिया है। और यहाँ पे इंडियन हिंदू में लिख दे रहा हूँ। लिखने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा नीचे अपलोड फ़ोटो का, तो यहाँ पे आपको एक अपना फ़ोटो अपलोड करना है। तो चलिए मैं फ़ोटो अपलोड कर देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे फ़ोटो, तो यहाँ पे फ़ोटो अपलोड हो चुका है। यहाँ पे सिग्नेचर है, ड्रॉ सिग्नेचर और अपलोड सिग्नेचर, सिग्नेचर इमेज। तो अगर आप चाहें कहीं सिग्नेचर करके आप लोग यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं ड्रॉ करके दिखा दे रहा हूँ कि कैसे आप लोग को इस पे सिग्नेचर करना है। कुछ इस प्रकार से अपना सिग्नेचर करिए, देन ओके पे क्लिक करिए। अगर आप कॉपी पर लिख के अपलोड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो देन करने के बाद आपको ऊपर वाला एक ऑप्शन दिखेगा। तो चलिए यहाँ पर मैरिटल स्टेटस मैंने नहीं ऐड किया है, तो सिंगल मैं कर देता हूँ। देन करने के बाद तो नीचे आपको स्लाइड करना है। देन स्लाइड करने के बाद यहाँ पे समरी का ऑप्शन आ जाएगा। देन आपको जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही है वो चीज़ नहीं करना है। तो यहाँ पे हाई स्कूल का मार्कशीट जो है मैं दे देता हूँ। देन हाई स्कूल का देने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, सारा चीज़ मतलब सेम प्रोसेस है, हाई स्कूल के बाद इंटर का, इंटर के बाद बीए का। तो इसी से बारी बारी आप लोग को कर लेना है, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी इसलिए मैं स्किप कर दे रहा हूँ। देन यहाँ पे उसके बाद से यहाँ पे देख सकते हैं मैंने बीए का भी दे दिया। ओके पे क्लिक करेंगे। देन ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस, तो अभी जहाँ आप जॉब कर रहे हैं वह डाल सकते हैं, या फिर इसके पहले आपने जहाँ पे जॉब किया वो डाल सकते हैं। मैं मेंटेनेंस का काम कर रहा हूँ, तो मेंटेनेंस यहाँ पे कब से कर रहा हूँ, जिस जब से मैंने ज्वाइनिंग किया है, तो यहाँ पे मैं अगस्त में ज्वाइनिंग किया हूँ, तो यहाँ पे मैं अगस्त 2022 सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। तो यहाँ पे अगस्त 2022 टू, अभी तो टू मेरा कन्फर्म है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं जूनियर क्लीनर हूँ अभी, तो यहाँ पे मैं डाल दे रहा हूँ जूनियर क्लीनर। तो ओके पे क्लिक करेंगे, हो जाएगा सेट। यहाँ पे अगर आप और भी कहीं किए हैं तो डाल सकते हैं। यहाँ पे प्रोजेक्ट है, तो मैं अभी किसी भी प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर रहा हूँ। अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं, वरना अगर नहीं चाहते हैं ऐड करना तो मत करिएगा। और यहाँ पे उसके प्रोजेक्ट के बाद यहाँ पे आता है स्किल्स एंड अदर्स। तो यहाँ पे लैंग्वेज में आप लोग को क्या डालना है, लैंग्वेज पे हिंदी, इंग्लिश, जो भी मतलब लैंग्वेज आपको आती हो यहाँ पे डाल सकते हैं, या फिर आता हो। तो मैं इंग्लिश और हिंदी सिलेक्ट कर रहा हूँ। इंग्लिश मुझे 50% आता है, बाकी मतलब ज़्यादा आता नहीं है। तो मैं 50% यहाँ पे डाल के इंग्लिश 50%, उसके बाद ओके। इन ओके करने के बाद यहाँ पे आप अगर चाहें तो अपना हाइट वगैरह ऐड कर सकते हैं, वरना अगर नहीं डालना है तो मत भी करिएगा, क्योंकि उससे कोई दिक्कत होता नहीं हाइट वगैरह से, क्योंकि आपके पास सर्टिफिकेट एक बायोडाटा है। तो अगर चाहें तो आप लोग डाल सकते हैं, अगर नहीं चाहें तो नहीं डाल सकते हैं। तो मैं 5'3" यहाँ पर डाल दे रहा हूँ। देन डालने के बाद यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे। देन ओके पे क्लिक करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा और स्क्रॉल करना है। अगर आप यहाँ पे और भी जो भी मतलब डिटेल ऐड करना चाहे तो कर दीजिएगा, अगर नहीं आपके पास है रेफरेंस वगैरह मतलब और जिसके बारे में नहीं पता है तो आप लोग मत ऐड करिएगा। देन ओके पे क्लिक करने के बाद आपको सही वाला जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे चेंजेड सक्सेसफुल हो जाएगा। देन होने के बाद यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार का आपका रिज्यूम बन के ओके हो जाएगा। देन बनने के बाद अब आपको क्या करना है, इसे पीडीएफ पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है या फिर ओपन कर लेना है। देन आपके फाइल में यह डाउनलोड हो जाएगा। देन होने के बाद काफ़ी ज़्यादा क्लियरिटी इस पीडीएफ फाइल में अभी है। तो इसी तरह आप लोग भी अगर बनाना चाहें तो बना सकते हैं, काफ़ी मतलब क्लियरिटी है इस पीडीएफ फाइल में।
और यहाँ पे मैं आप लोगों को फॉर्मेट 1, फॉर्मेट 2, फॉर्मेट 3, 7 तक मिलते हैं, 7-8 तक। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो फॉर्मेट 1 है, फॉर्मेट 2 में कुछ इस प्रकार का रिज्यूम है, फॉर्मेट 3 में कुछ इस प्रकार का, फॉर्मेट 3, फॉर्मेट 4 में कुछ इस तरह का, फॉर्मेट 5 में कुछ इस तरह का है, फॉर्मेट 6 में कुछ इस तरह का है, फॉर्मेट 7 में कुछ इस तरह का है। तो आप लोग को जो भी अच्छा लगे यहाँ से जाके आप लोग PDF वाले ऑप्शन जो PDF है ऊपर उस पर क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं PDF का ऑप्शन है, तो डाउनलोड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आए, पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।